सहारनपुर थाना नागल पुलिस द्वारा हाईवे पर महिला का भेष बदल कर लूट करने वाले 5 लुटेरों को किया गिरफ्तार। बड़ी खबर सहारनपुर से निकलकर सामने आई है, जहां सहारनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराधों की रोकथाम और वांछित वारंटी अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्र अधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण व थाना नागल प्रभारी के कुशल नेतृत्व में 4 घंटे के अंदर सफल अनावरण करते हुए नेशनल हाईवे कपासा अंडरपास के निकट करीब इस पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित हाईवे पर महिला का भेष बदल कर लूट करने वाले अभियुक्त गण अमित पुत्र जगदीश, ओमकार पुत्र राजपाल, अर्जुन पुत्र सुरेश, आयु पुत्र महमूद, श्याम लाल वर्मन पुत्र मदन लाल को गिरफ्तार किया। जामा तलाशी से अभियुक्त अमित के कब्जे से 1 अदद छुरी व लूटे गए 1100 रुपए तथा अभियुक्त ओमकार के कब्जे से 1 तमंचा, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, 315 बोर लूटे गए 3900 रुपए, 1 अदद तमंचा 12 बोर, 2 जिंदा कारतूस 12 बोर, 2 अदद चाकू नाजायज, 1 अदद बैग मैं सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, 1 बुलेट, 1 स्कूटी होंडा एक्टिवा बरामद हुआ। बरामद नाजायज असलाह व कारतूस के आधार पर पंजीकृत किया गया। अभियुक्त गणों पर कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। मंडल ब्यूरो सहारनपुर, हैदर अंसारी। यानी दिनांक 13/14 की रात्रि में थाना नागल पे सूचना मिली कि कुछ युवकों द्वारा महिला के भेष में गाड़ी रोककर एक पिकअप ड्राइवर के साथ लूट की घटना को खारिज किया गया। इस घटना का तुरंत संज्ञान लेते हुए नागल पुलिस थाना नागल पर अभियोग पंजीकृत किया गया और पुलिस टीम सक्रिय हो गई। 4 घंटे के अंदर पुलिस टीम ने 5 युवक जिन्होंने इस घटना को कारित किया था उनको पूरी कैश रिकवरी के साथ गिरफ्तार किया और इनके पास से 2 कंट्रीमेड वेपन्स, 2 चाकू और 1 रॉयल एनफील्ड बुलेट और 1 एक्टिवा स्कूटी बरामद हुई है। पूछताछ में जो इनका मोडस ऑपरेंडी सामने आया है वो यह है कि ये महिलाओं का वस्त्र धार करके या तो मदद लेने के या आकर्षित करने के का प्रयास करते हैं हाईवे पे चलने वाले ड्राइवर्स को, और एक बार जब वो गाड़ी रुक जाती है तो ये झुंड में आके उनके साथ लूट की घटना को कारित करते हैं। अभी तक इनसे इनके आपराधिक इतिहास के बारे में पूछताछ की जा रही है, कोई आपराधिक इतिहास सामने नहीं आया है। 5 अभियुक्त को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। सर, ये सारी बातें जो है ये पूछताछ में शामिल है, जैसा कि आपको बताया कि अभी तक कोई इनका आपराधिक इतिहास सामने नहीं आया। क्या कुछ मोटिव का जो अभी तक समझ में आ रहा है, प्रेम से सही पैसा धनार्जन करने के लिए ये ऐसी घटनाएं करते थे। 5 युवक हैं सहारनपुर के रहने वाले, मेल भी है 5 के 5 वस्त्र इन्होंने महिला का धारण किया हुआ है। ये बहुत ही कॉमन हाईवे पे मोटर ऑपरेटिंग है और इसके पहले भी 2 माह पहले भी हम लोगों ने कुछ ऐसे युवकों को पकड़ा था जो इस तरह का वेश धारण करके काम करते हैं।